तो अगर तुम लोग पूछ रहे हो कि मैं पोकेमोन की वीडियोस क्यों नहीं ला रहा था, तो वो थी यार कोप्पा की वजह। तो कोप्पा की वजह से पोकेमोन की वीडियोस नहीं आ रही थी और मैं गेम स्टूडियो से खेल रहा था, लेकिन यार अब कोप्पा से कोई डर नहीं है, तो यार अब हम दोबारा से अपने पोकेमोन की वीडियोस पर आ जाते हैं। तो आज का हमारा बैटल होने वाला है फीबास वर्सेस जो हमारा मैजिकार्प है उससे, और हम इसमें इनके एवोल्यूशंस को भी इंक्लूड करेंगे, तो और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए यार देखते हैं कि कौन है बेस्ट और कौन है वर्स्ट। तो जो हमारा मैजिकार्प और जो हमारा फीबास है, इन दोनों की टाइप और बेस्ट स्टैट्स बिल्कुल सेम है। जो इनके टाइप है वो है वाटर टाइप और इनके बेस्ट स्टैट्स है 200, जो कि काफ़ी कम है मुझे पता है। और वही भी अगर हम इन दोनों पोकेमोनों के एवोल्यूशन की बात करें, तो जो मैजिकार्प है ये इवोल्व होता है 20 लेवल पर जाकर गैडोस में, और वहीं पर जो मिलोइटिक में इवोल्व होता है हमारा फीबास। इसे तुम किसी भी लेवल पर कर सकते हो, बस इसकी ब्यूटी 171 होनी चाहिए और उसे ट्रेड करना पड़ेगा, और साथ में इसे प्रिज्म स्केल भी होल्ड कराना पड़ता है, मतलब कि यार काफ़ी मुश्किल है इसे इवोल्व करना। और वहीं पर अगर हम इन दोनों पोकेमोनों के एवोल्यूशंस की टाइप की बात करें, तो जो हमारा मैजिकार्प है ये यूज होते हैं गैडोस में, और गैडोस की टाइप है फ्लाई और वाटर टाइप, लेकिन जो मिलोइटिक की टाइप है वो है प्योर वाटर टाइप, मतलब कि बस नॉर्मल वाटर टाइप। तो इस तरीके से हम सभी को पता है कि जो हमारा गैडोस है उसके पास एक एक्स्ट्रा टाइप है, मतलब फ्लाई टाइप। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि वाटर टाइप के मूव अगर वाटर टाइप पर मारते हैं तो वो वीक रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे टाइप के मूव मारें, मतलब दूसरे टाइप के जैसे कि फ्लाई टाइप के, अगर वाटर टाइप पर मारेंगे तो वो वीक नहीं रहने वाले। तो इसलिए यार जो हमारा गैडोस है वो काफ़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास और अलग मूव्स भी हैं। तो ठीक है यार, अब इस राउंड काउंटर तो हम अपने गैडोस को रखते हैं, मतलब कि हम मैजिकार्प इसमें जीत गए। तो अगर हम इन दोनों पोकेमोनों की रेंट की बात करें, तो हम सभी को बताएं यार मैजिकार्प है ना, ये काफी आसानी से मिल जाती है हमें गेम्स में, कहीं पर भी फिशिंग रोड यूज करो और वहीं पर हमें मैजिकार्प मिल जाती है, ज्यादातर केसेस में तो यही होता है। लेकिन यार अगर हम बात करें वहीं पर फीबास की, तो फीबास को देखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यार ये पोकेमोन ये नहीं है कि हर जगह तुम्हें मिल जाएगा, इसे मतलब काफ़ी कम जगह होती है जहाँ पर ये मिलता है और फिशिंग रोड को यूज़ करने पर मिलता है। तो इस तरीके से यार हम सभी को पता है कि फीबास थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, तो इस वजह से यार रेट ही में तो फीबास आगे है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन से पोकेमोन को इवोल्व करना हार्ड है, तो यार वो भी फीबास के साथ ही होता है, क्योंकि देखो यार जो मैजिकार्प है वो तो 20 लेवल पर जाकर इवोल्व हो जाती है, तुम उसे एक्सपी शेयर दे सकते हो या और भी तरीके होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें अपने फीबास की, तो वो 20 लेवल पर इवोल्व नहीं होती, उसे हमें एक तो प्रिज्म स्केल देना पड़ता है और साथ में उसे ट्रेड करना पड़ता है, और साथ में उसका ब्यूटी का लेवल 171 होना चाहिए, मतलब कि यार बहुत हार्ड है उसे इवोल्व करना। तो इस तरीके से भी यार इसमें भी हम कहें तो फीबास को ही इवोल्व करना ज़्यादा हार्ड है। और वहीं पर अगर हम इनके अपीयरेंस की बात करें पोकेमोन के एनिमे में, तो हमें मैजिकार्प काफ़ी ज़्यादा बार दिखाई गई है, जो फीबास है वो काफ़ी कम बार दिखाई गई है, लेकिन इस तरीके से भी हमें पता चल जाता है कि जो मैजिकार्प है ये काफ़ी कम रेयर है, और वहीं पर जो हमारा फीबास है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो इस राउंड का जो विनर है वो है फीबास। तो अब हम अपने लास्ट राउंड की तरफ चलते हैं यार। तो अगर हम बात करें इन दोनों पोकेमोनों के मूव्स और टाइप की, तो देखो इनका जो फर्स्ट एवोल्यूशन है ना, उसमें इन दोनों पोकेमोनों के मूव्स बिल्कुल सेम रहते हैं, पहला स्प्लैश, दूसरा टाइगल और तीसरा फेल। लेकिन अगर हम इनके सेकंड स्टेज में आए, मतलब कि गैडोस और मिलोइटिक में, तो देखो यार वहाँ पर इनके मूव्स और टाइप दोनों ही चेंज हो जाती हैं, जैसे कि जो गैडोस की टाइप है उसमें फ्लैश रो जाता है, और बाकी जो मिलोइटिक टाइप है वो नॉर्मली रहती है, मतलब वाटर टाइप। और वहीं पर अगर हम इनके मूव्स की बात करें इनके एवोल्यूशन में, तो वहाँ पर हमारा गैडोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रह जाता है, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पावरफुल मूव्स होते हैं, जो कि ड्रैगन टाइप के और बाकी भी काफ़ी नॉर्मल टाइप के भी काफ़ी अच्छे मूव्स होते हैं उसके पास, जैसे कि ड्रैगन रेज और काफ़ी सारे मूव्स होते हैं ड्रैगन टाइप के उसके पास। तो इस वजह से यार वो मूव्स में और टाइप में जीत जाएगा, क्योंकि यार उसके पास फ्लाई टाइप एक्स्ट्रा है, साथ में उसके पास अलग अलग टाइप के मूव्स भी हैं। और वहीं पर ही जो हमारा मिलोइटिक है वो फेरी टाइप और मतलब वैसे मूव्स में ही रह जाता है, लेकिन जो हमारा गैडोस है इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स होते हैं। तो इसलिए यार अगर हम इनकी कभी भी बैटल होती है नॉर्मली, तो उसमें तो यार हमारा गैडोस काफ़ी आसानी से हरा देगा मिलोइटिक को। और नॉर्मल की अगर इन दोनों की एक दूसरे से बैटल होती है, मतलब कि मैजिकार्प की और फीबास की, तो उसमें तो यार ये दोनों एक दूसरे से स्प्लैश मारते रहेंगे और बाद में जाकर स्ट्रगल यूज़ करेंगे, फिर पता नहीं कौन जीतेगा। वैसे जो मैजिकार्प और फीबास है इन दोनों की बैटल में तो कोई भी जीत सकता है, इसकी पता नहीं चलने की, लेकिन हाँ हमारा गैडोस पक्का जीतने वाला है मिलोइटिक से। और अगर हम इनकी कुछ अलग चीज़ों की बातें करें, जैसे कि इनकी शाइनी फॉर्म की, तो हाँ तुम मैजिकार्प अगर तुम्हारे पास शाइनी है तो तुम उसे काफ़ी अच्छे पैसों में बेच सकते हो, मतलब एनिमे में तो ऐसे ही था, और फीबास देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बाकी उसका एवोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो मैजिकार्प अगर तुम्हारे पास शाइनी मैजिकार्प है ना, तो भाई तुम मालामाल हो, और मतलब एनिमे में तुम काफ़ी अच्छे रहने
वाले हो, तो इसलिए यार मुझे पता है जो हमारा मैजिकार्प है ना ये सही है फिर भी जो फीबास है उससे, क्योंकि यार उसके जो हमारा मैजिकार्प ये सीधा ही और हो जाता है गैराडोस में, क्योंकि गैराडोस तो नहीं पावरफुल। तो इस वजह से यार कोई सोचने वाली बात नहीं है, इस मतलब इस वीडियो का विनर होता है हमारा मैजिकार्प और हमारा गैराडोस। तो ठीक है यार, आज की ये खत्म और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो टॉपिक सजेस्ट करते रहा करो क्योंकि यार आपको पास से कोई डर नहीं है, तो फिर अब तो यार पोकेमॉन की वीडियोस आती रहेंगी।